बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 की साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 39। यूनिट नंबर 6 इज हियर, टॉपिक मैटर एंड मटेरियल्स, एंड सब टॉपिक जो है वो आज आपका कंपैरिजन है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एमसीक्यूज, यानी कि जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसकी एक्टिविटी हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस अबाउट सॉलिड्स, देन वी कैन से दे हैव रिजिड शेप एंड इन कम्पेयर टू लिक्विड दे डोंट हैव रिजिड शेप, एंड कंपेरिजन टू गैसेज दे ऑल्सो डोंट हैव रिजिड शेप। क्या होता है कि इनकी एक खास शेप होती है सॉलिड की, लिक्विड की कोई भी खास रिजिड शेप नहीं होती, रिजिड हालत नहीं होती इसकी। और गैस की अगर हम बात करें तो ये भी जिस भी कंटेनर के हम उसको ऐड करते हैं उसी तरह का हो जाता है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड की भी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, मीन्स टू से जहाँ पर हमने उसे रख दिया है या जो उसका वेट है वो उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा जितना के होना चाहिए। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है ये रिजिड नहीं होते, मीन्स टू से लिक्विड फॉर्म वाटर फॉर्म में, और इनके अंदर क्या होता है फिक्स शेप नहीं होती इनकी, ठीक है। उसके अलावा मतलब जिस भी हम उसको कंटेनर के अंदर डालेंगे उसी की शेप में डाल देंगे, और ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस की भी जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि रिजिड नहीं होती हैं और इनकी अपनी फिक्स शेप नहीं होती और इनको जो है फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। तो ये जिस भी कंटेनर के अंदर हम ऐड करते हैं उसी के अंदर चले जाते हैं लाइक लिक्विड, बट इनका जो है एक्सपैंड होने का प्रोसेस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीन्स टू से कि लिक्विड जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं तो वो उसके बॉटम से जो है स्टार्ट करता है उसको फिल करना, लेकिन गैसेज जो है थॉरली उसमें एक्सपैंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं उसको उसमें फैल सकते हैं। सो ये जो है स्टेट्स ऑफ मैटर था, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस किया था तीनों को, सॉलिड को, लिक्विड और गैसेज को। अब हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। आपने ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसको चूज करना है विच वन इज करेक्ट। ऑटम्स आर टिनी व्हाट, सो ऑप्शन ए इज मिनरल्स, बी पार्टिकल्स, सी मॉलिक्यूल्स एंड डी नन ऑफ देम। सो ऑटम्स क्या है, ऑटम्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जरात होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड है आपके पास अ ब्रिक इज अ, ब्रिक क्या है आपके पास, मैटर, ए मैटर, बी लिक्विड, सी सॉलिड एंड डी गैस। तो ब्रिक क्या होती है आपके पास, हमेशा ईंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, सो वी कैन से डैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैट इज सॉलिड। थर्ड स्टेटमेंट इज वेल वाटर इज अ, सो आपको कह रहे हैं वाटर क्या है, ए मैटर, बी लिक्विड, सी सॉलिड एंड डी गैस। सो वाटर इज अ लिक्विड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, माया के फॉर्म में होता है, कोई भी चीज़ जो है उसको आप लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में कह सकते हैं। लिक्विड्स टेक द डैश ऑफ द कंटेनर, दे आर पुट इन टू, लिक्विड जो है वो जिस कंटेनर के अंदर हम उसको ऐड करते हैं क्या करता है, ए उसकी शेप ले लें, बी वॉल्यूम, सी मैस एंड डी नन ऑफ देम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिस भी कंटेनर के अंदर हम उसको ऐड करते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं। गैसेज स्प्रेड इन द डैश क्विकली एंड फ्रीली, गैसेज का क्या है कि वो अगर हम उनको ए कंटेनर, बी आपके पास है ऑप्शन रूम, सी वाटर एंड डी एयर। यहाँ पर बात हो रही है कि गैसेज जो है स्प्रेड हो जाती है बड़ी तेजी से और ज्यादातर तौर पर जो है वो फैल जाती है। किस तरह, आपके पास ऑप्शन आता है कंटेनर का, रूम का, वाटर का और एयर का, तो लास्ट वन इज एयर, तो एयर जो है डेट इज करेक्ट। तो ठीक है, अभी मिलते हैं कल विथ न्यू लेसन, न्यू टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।